गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3, मोशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विनोसिस। इट इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग इक्वल डेज एंड नाइट। इक्विनोस मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इट मीन्स वी हैव अ इन 24 आवर्स इन अ डे, and equinox means 12 hours in a day and 12 hours in a night. It is equal. On March 21 and September 23, the days and nights are equal throughout the world, 12 hours day and 12 hours night. Student can observe these phenomena by noting down the time of sunrise and sunset. On these 2 days, both hemispheres are equally inclined toward the sun. The sun rays fall vertically on the equator, due to which the temperature conditions are moderate, neither too hot or neither too cold. On 21st March in the northern hemisphere, it is spring equinox, while it's autumnal equinox in southern hemisphere. The opposite is the case on 23rd September, when is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. Look, on 21st March, dekhiye, look at 21st March, sun ki rays jo hai, earth jo hai, ye wala earth ka jo portion hai, pura, 21st March ko bilkul सामने सन रेज बिल्कुल जा रही है सीधी वर्टिकली, देखिए वर्टिकली जा रही है। उसी तरह 23 सितंबर को, ये तो बैकिंग वाला पोर्शन हो गया, इसके जो फ्रंट वाला पोर्शन है इस तरह से, वो अर्थ के सामने है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला ये मूव करते करते ये वाला पोर्शन मूव करते करते जब इधर आता है, तो ये जो होता है ये बैक हो गया। अब इसका जो फ्रंट पोर्शन है, इसके आगे वाला फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट में आ गया। तो यहाँ पर सन रेज जो है वर्टिकली, तो सेम यहाँ भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अर्थ के बिल्कुल सामने होते हैं। यही वजह है कि इस दिन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर को हम इक्वल डे और इक्वल नाइट फील करते हैं। तो 21st मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ के सन के फ्रंट में, On 21st March in northern hemisphere it is spring equinox, while it's autumn equinox in southern hemisphere. और इसके अपोजिशन में 23rd September को, when autumn in northern में, तो spring in southern में होता है। ये था equinox। Day and night phenomena. Days and nights are caused by the rotation of the earth on its axis, which is tilted about 66.5 to the plane of ecliptic or orbit. Due to the inclination, the whole world experiences the unequal length of days and night. From March 21 to June 21, the days are longer in the northern hemisphere and vice versa in the south of the equator. From June 21 to September 23, the phenomena start reversing. The days start becoming shorter in northern hemisphere and longer in the southern hemisphere.
on September 23rd, day and night become equal. अभी हमने देखा और अभी हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि किस तरह अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसकी वजह से हमें डे एंड नाइट देखने मिलते हैं, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से, और जिस ऑर्बिट पे वो घूमती है, जिस ऑर्बिट पे वो सन के रेवोल्यूशन पे होती है, वो ऑर्बिट का उस ऑर्बिट का इंक्लाइनेशन यानी ऑर्बिट अंडाकार शेप पे है, तो अर्थ जब उस पे राउंड घूमती है, और तीसरा अर्थ जो है टिल्ट है, झुकी हुई है, इस वजह से डे एंड नाइट सीजन जो है हम आराम से देखते हैं. तो मार्च 21 को डे एंड नाइट इक्वल होता है. वहाँ से जून 21 तक हम क्या देखते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पहले कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है, तो डेज आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर. तो उसके बिहाफ रिवर्स पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, वहाँ विंटर सोल्स्टिस होगा, तो वहाँ पर डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर. सेम जब हम इसे मूव करती हुई अर्थ घूमती है, जब वो जून 21 पर आती है तो डेज एंड सेप्टेम्बर 23 तक जब वो आती है राउंड करते हैं, तो सेप्टेम्बर 23 पर डेज इक्वल होते हैं, नाइट इक्वल होती है. अब यहाँ से मूविंग जो स्टार्ट होती है, अब ये उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अब नॉर्थ में क्योंकि समर सोल्स्टिस था, गर्मी थी, दिन लॉन्गर डेज लॉन्गर थे, नाइट शॉर्टर थी, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब रिवर्स पोजीशन हो रही है, क्योंकि अब अर्थ टिल्ट है, अब घूम रही है, अब इस तरह से मूव करेगी. तो यहाँ पर अब नॉर्थ में विंटर सोल्स्टिस स्टार्ट होगा और साउथ में समर सोल्स्टिस स्टार्ट होगा. तो अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें डेज शॉर्टर नाइट लॉन्गर नजर आएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें डेज लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर दिखेगी. और टू इक्विनोक्स आई थे 21 मार्च जहाँ पे डे एंड नाइट सेम होते हैं, एंड 23 सितंबर जहाँ डे एंड नाइट इक्वल होते हैं. इट मींस इक्विनोक्स, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये हमने सब इस चैप्टर में क्लियर किया है. तो ये हमारा जो चैप्टर था, एक पैराग्राफ और बचा है. बट द पोल्स एक्सपीरियंस आइदर कंप्लीट डे और कंप्लीट नाइट फॉर द 6 month ड्यूरेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपन इफ द अर्थ हैड नॉट इंक्लाइंड ऑन दिस एक्सिस, देयर वुड बी डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, द सिचुएशन एग्जैक्टली लाइक दैट एट द टाइम ऑफ द इक्विनोक्स. अगर अर्थ के टिल्ट होने की वजह से हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों ही हाफ टाइम ड्यूरेशन पे होते हैं. मीन्स 6 month एक जगह नाइट होती है और 6 month एक जगह डे होता है. तो ये दोनों पोल्स ऐसे एक्सपीरियंस फील करते हैं. अगर अर्थ टिल्ट नहीं होती तो जो हमारा इक्विनोक्स वाला सिस्टम है ना, जहाँ 12 डेज नाइट एंड 12 डेज की हम डेज फील करते, तो इस पूरे वर्ल्ड में हम यही सिचुएशन देखने को मिलती. तो यहाँ हमारा चैप्टर क्लियर होता है. थैंक यू.